खातून नाजरीन, पुलिस फाइल की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज के एपिसोड में देखिए, एक डाकू एक थानेदार, पुराने जिगरी यार, जैकबाबाद की मासूम फजीला कहाँ है। काश औलाद समझ जाए पालने का दुख क्या होता है। एक गमजदा बाप मेरी कहानी में। मैं रोज रोज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ यार, अब्बा जी ने तो हद ही कर दी है। सब कुछ हम बर्दाश्त करें और वो तुम्हारा भाई और उसकी फैमिली अमेरिका में बैठे मौजे कर रहे हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम, खानेवाल थाना सिटी का मुकदमा नंबर 635। और लुटेरों की लूट से बचने के दो तरीके, मुश्तरी होशियार बाश में। केस जैकबाबाद की फजीला सरकी का। अगवाशुदा फजीला ना ही बाजियाब हुई और ना ही काम आए पुलिस के छापे और वजीरों के वादे। इसी तरह गुजर गए 4 साल। जैकबाबाद की फजीला कहां है? ये है फजीला की तस्वीर। अब्दुल रजाक की बड़ी बच्ची फजीला ने स्कूल जाना शुरू किया तो वो बहुत खुश था। वो रोज सुबह सवेरे बेटी को स्कूल छोड़ने जाता। ये है वो स्कूल जहां फजीला पढ़ती थी। मगर मासूम फजीला है कहां? जैकबाबाद के नवाही गांव गढ़ी हसन में शाम हो रही है। ये है गढ़ी हसन में अब्दुल रजाक का घर। फजीला का बाप अब्दुल रजाक असर की नमाज से फारिग हो रहा था। दौरान फजीला की मां सकीना ने बेटी को चाय लेने गली के होटल की तरफ भेजा। यह है फजीला की तस्वीर। 7 साल की फजीला घर से बाहर निकली। उसे गली की दूसरी जानिब बने होटल तक जाना था। यह है वो होटल जहां मासूम फजीला चाय लेने आई थी। उसे चाय के लिए भेजकर सकीना कुरान पाक पढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में सूरज गुरूब हो गया। फजीला चाय लेकर वापस नहीं आई। सकीना को जब परेशानी हुई तो उसने अपने शौहर अब्दुल रजाक को उसका पता लगाने के लिए भेजा, मगर वो नहीं मिली। फजीला को मैंने भेजा, चाय के लिए भेजा, सारा गांव ढूंढा, फजीला वापस नहीं आई। हम रात तक भी रोते रहे, फजीला वापस नहीं आई। दोनों मियां बीवी अपनी कमसिन बच्ची की तलाश में निकल गए। उन्होंने पूरा गांव देख लिया, आसपास का चप्पा चप्पा छान मारा, एक एक शख्स को रोककर बच्ची का पूछा, मगर सब बेसूद। बच्चे की जुदाई का गम वालिदैन ही जानते हैं, और ये गम उस वक्त शदीद हो जाता है जब ये भी मालूम ना हो कि बच्चा जिंदा है या फिर मर गया। हमारी रोते रोते सारी उम्र ये गुजर गई है, फजीला वापस नहीं आई। फजीला का पता कहीं से ना मिला। गरीब वालदेन पहुंचे गांव की अहम शख्सियत कबीले के सरदार जुल्फकार सरकी के बंगले पर। सरदार जुल्फकार सरकी के साथ मौजूद था उसका भाई सूबाई वजीर सिंध डॉक्टर सोहराब सरकी, मगर सरदार के घर उनकी सुनवाई न हुई। अब्दुल रजाक और सकीना तसल्ली के दो बोल दामन से बांध के घर वापस हो लिए। फजीला कहां गई? क्या उसे अगवा कर लिया गया था? कौन था वो जालिम जो एक शरीफ बाप और एक मजबूर माँ को दुख दे रहा था? यह है गढ़ी हसन पुलिस स्टेशन।
अब्दुल रजाक सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचा, मगर पुलिस ने कर दिया मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार। सकीना बच्ची को याद कर करके दुआएं मांग रही थी और अब्दुल रजाक छोटे बेटे को झूला झुलाते सोच रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। ना दर्ज हुआ कोई मुकदमा और ना ही मिला बच्ची का सुराग। फिर मौसूल हुआ एक बदनामे जमाना डाकू का पैगाम। ये है इसी इलाके के मशहूर डकैत बुढ़ो सरकी की तस्वीर। अब्दुल रजाक को पता चला कि उसकी मासूम बच्ची बुढ़ो सरकी की कैद में है। फजीला की माँ सकीना रो रो के दुआ मांग रही थी उसकी मासूम बच्ची जल्द बाजियाब हो जाए। बुढ़ो सरकी ने तलब किया भारी तावान, मगर कहां से देगा तावान के पैसे ये गरीब बाप। आखिर गांव की मस्जिद में फजीला के तावान के लिए चंदा जमा करने का ऐलान किया गया। अब्दुल रजाक मस्जिद के दरवाजे पर चंदा जमा करने खड़ा हो गया। भारी रकम जमा करने के लिए मजलूम बाप कई दिन चंदा जमा करता रहा, मगर उसका इम्तिहान अभी बाकी था। उसे एक और पैगाम भेजा गया, तुम्हारी बेटी हमारे पास थी अब नहीं है। अब्दुल रजाक की उम्मीद टूट गई। उसकी जिंदगी में रह गए थे दो ही काम, पुलिस स्टेशन के चक्कर और फजीला के मिलने की उम्मीद में दिन रात गुजारना। 7 महीने तक गड़ी हसन थाने में फजीला के अगवा की FIR न कट सकी और इसकी वजह थी उस वक्त के DPO मुनीर खोड़ो और बुढ़ो सरकी के ताल्लुकात। एक डाकू और एक थानेदार पुराने जिगरी यार। इसी डाकू के 3 कारिंदों ने अगवा किया था फजीला सरकी को। 3 लड़के थे उठाने वाले और जो इस गैंग का मालिक था वो बुढ़ा धड़ेल था। मुनीर खोड़े की ना आइली से तो हमारी बच्ची अगवा हो गई। उसके तालकात बस सबको सारे जिले को पता था कि बुढ़े के साथ और जो गांव के वडेरे उसके साथ दोस्ती और जो भी धड़ेल थे उसके साथ उसका वास्ता था। इस दौरान अब्दुल रजाक बुढ़ो सरकी से मामला निपटाने के लिए सरदारों की मिन्नते करता रहा, मगर कोई नहीं था इस गरीब के साथ। ये है फजीला के मुकदमे की FIR। पुलिस ने फजीला की बाजियाबी के लिए छापे मारे और गिरफ्तार किया 3 मुलजिमों को। क्या ये 3 मुलजिम बुढ़ो सरकी गैंग से ताल्लुक रखते थे? क्या इनके पास थी मासूम फजीला? पुलिस ने पहले दिनों में छापे लगाए, रेड किए, वो भी गलत लोगों पर। बच्ची एक जगह, रेड दूसरी जगह अपने खाने के लिए। अब अब्दुल रजाक छोटी बेटी को सुलाते हुए सोचता है कि फजीला ने आराम किया होगा या नहीं, और उसकी माँ सकीना सब्जी बनाते हुए सोचती है कि फजीला ने खाना खाया होगा या नहीं, कपड़े पहने होंगे या नहीं। दिन ईद दिन सारा दिन रोन दिया, फजीला नहीं है, असी दी ईद भी नहीं है, इन्होंने कपड़े कीते ने, मेरी फजीला ने कपड़े नहीं कीते, अले फजीला ने कपड़े देते होंगे कि नहीं भी नहीं देते होंगे, अले जुतियां दितियां होंगे भी अले नहीं दितियां होंगे। फजीला कैसे अगवा हुई और क्यों अब तक किसी ने भी उसके गरीब बूढ़े बाप अब्दुल रजाक की एक ना सुनी? इन दोनों सवालों का जवाब एक है, डकैत और पुलिस दोनों ही सरदारों के पास आते जाते हैं। उनका नाम कौन लेगा, उन्हें इल्जाम कौन देगा? फजीला जैसे अनगिनत बच्चे हैं मजबूर वालिदैन से दूर। पुलिस को पता है कि वो खास मानू है तेगे खान का, उसके बंगले में रहता है। फिर एक दिन इस गरीब की आखिरी उम्मीद दम तोड़ गई थी जब बुढ़ो सरकी की मौत की खबर आई। फजीला के लिए तावान का तकाजा करने वाला डाकू मर चुका था। ये है वो कब्र जहां बुढ़ो सरकी को दफनाया गया। बुढ़ो सरकी जानता था कि फजीला कहां है, मगर ये कब्र अब्दुल रजाक को कैसे बताएगी कि उसकी बेटी कहां है? वक्त गुजरता गया मगर फजीला की कोई खबर ना आई। इसी दौरान 6 DPOs बदले गए, वादे किए गए, छापों के नाम पर धोखे दिए गए,
मगर फजीला को वापस ला सके ना थानेदार ना ही सरदार। सरदारा ने अगे भी कुछ नहीं किया, उनकी करण के सरदारा, उनकी करण के सरदारा, भज भज के थक गया, बस कुछ भी नहीं होया। फिर एक डीपीओ वलीउल्लाह दल ने अब्दुल रजाक को बताया कि फजीला जिंदा है। अब्दुल रजाक और सकीना की उम्मीद फिर से जाग उठी, मगर वलीउल्लाह दल ने मुझे कहा कि आपकी बच्ची जिंदा है, वापस आ जाएगी। तो उसने कोशिश भी की ईमानदारी के साथ, पर एक महीने या 20 दिन उधर जिले जकमाबाद में ठहरा, फिर उसकी बदली हो गई। फजीला वापस कैसे आती, कोई नहीं जानता था कि ये मासूम कहाँ है। फिर गरीब वालदेन को रोशनी की एक किरण नजर आई। रोशनी की ये किरण थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया जाने वाला अज खुद नोटिस। पुलिस छापे मारकर गलत लोगों को पकड़ती रही, फाइलें भरती रही और साथ साथ दम तोड़ती रही अब्दुल रजाक और सकीना की उम्मीदें। बची एक जगह रेट, दूसरी जगह अपने खाने के लिए। हमारी रोते रोते सारी उम्री गुजर गई है, वलीउल्लाह वापस नहीं आया। कहीं कोई बुड्ढो सरकी है और कहीं उस जैसे डाकुओं से मिली हुई पुलिस। फजीला कहां है, कब वापस आएगी? इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि एसपी मूसा की आवाज पर हुकूमत ने कोई एक्शन लिया या नहीं, असल मुजरिम को हवालात में बंद किया या नहीं। ब्रेक के बाद देखिए, काश औलाद समझ जाए पालने का दुख क्या होता है, एक गमजदा बाप मेरी कहानी में। मैं रोज रोज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ यार, अब्बा जी ने तो हद ही कर दी है। सब कुछ हम बर्दाश्त करें और वो तुम्हारा भाई और उसकी फैमिली अमेरिका में बैठे मौजे कर रहे हैं।